सदावसले मातृभूमि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के चुनाव की। तीन प्रत्याशी सामने थे। तीन प्रत्याशियों में पहला नाम सीतारामैया का था, दूसरा नाम डी के शिव कुमार का था और तीसरा जी परमेश्वर का था। अब जी परमेश्वर उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जब 2013 में सरकार बनी थी और 8 वर्षों तक प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने सर्व किया है। 8 वर्षों में प्रदेश अध्यक्ष सर्व होने के बाद जब सरकार बनी तो सीतारमैया जो कि 2006 में पहली बार कांग्रेस में आए थे जेडीएस से, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और जी परमेश्वर जो कि उस समय के पार्टी अध्यक्ष थे उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था, जबकि वो सबसे बड़े दावेदार थे। सीतारमैया गांधी परिवार के नज़दीक चले गए और गांधी परिवार के नज़दीक होने के नाते वो चीफ मिनिस्टर बन गए। जी परमेश्वर को आश्वासन दे दिया गया कि तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओ, बाद में देखेंगे। सरकार बनी, सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी ने भी वही किया कि उन्होंने बसप राज को मुख्यमंत्री बना दिया। वो दूसरी पार्टी से आए थे, वो एस आर मुंबई के बेटे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बीच में मिड टर्म में मुख्यमंत्री बनने के बाद चलाया, लोग नाराज हो गए, सरकार फिर चली गई। अब की बार जब चुनाव हुआ तो डी के शिव कुमार प्रदेश के अध्यक्ष थे और उनका दावा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। यंग हैं, बिल्कुल यंग होने के नाते, मतलब 1963-64 का उनका जन्म है और यंग होने के नाते वो प्रबल दावेदार थे। भाई ये भी कहा जा सकता था कि जो नई टीम है उसको सामने लाना है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में हम देख रहे होंगे कि माननीय मोदी जी नई टीम सब बना रहे हैं। ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों के चुनाव यंगस्टर्स का किया गया है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उत्तराखंड को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, ये नए चीफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, यंगस्टर्स को बनाते हैं। केंद्र में भी जो सरकार बनी है उसमें भी मिक्स बनाते हैं। किरण रिजिजू यंगस्टर्स में आते हैं, सर्बानंद सोनोवाल उस धुरी में आते हैं, स्मृति ईरानी आती हैं, या फिर पीयूष गोयल की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान की बात करें या अनुराग ठाकुर की बात करें, कुल मिलाकर नए चेहरे सामने आते हैं। फिर उनके मंत्रालय भी रोटेशन में लेकर आते हैं ताकि उनको सबको अनुभव हो सके, सब कोई प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो सके, यानी कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाना आना चाहिए, तमाम मंत्रालयों में उनके ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी करती है, तो भाई कांग्रेस को भी ये करने में क्या बुराई है। कांग्रेस के एटलीस्ट 5 बड़े लीडर जिनके नाम हम जानते हैं और वो यंगस्टर हैं, छठे अगर हम कहें तो डी के शिव कुमार हैं। 5 यंगस्टर्स में सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। अब जितिन प्रसाद, उनका कोई बहुत बड़ा अब पीछे से बैकअप नहीं था, वो जितिन प्रसाद के बेटे थे, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से आते थे, लेकिन उनका अपना कोई बहुत अच्छा वजूद नहीं है। चलिए उनको हटा देते हैं क्योंकि वो बहुत मास लीडर नहीं थे। दूसरा नाम आता है मिलिंद देवड़ा का। मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र से आते हैं और देवड़ा साहब के बेटे हैं, कांग्रेस के बहुत वफादार हैं, लेकिन वो यंग होने के नाते उनके अंदर एनर्जी भी है, मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उनको भी आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई, चलिए हटा देते हैं। अब सवाल आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से आते हैं और जो चुनाव लड़ा गया जिसमें कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य नायक थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़े मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री न बनाकर बूढ़े कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था, जिनकी ओरिजिन भी मध्य प्रदेश की नहीं, वो उत्तर प्रदेश के कानपुर की उनकी ओरिजिन है, वहाँ जाकर शिफ्ट हुए होंगे। यार कोई ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं होता, वहाँ उन्होंने राजनीतिक करियर शुरू किया होगा और उसमें आ गए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर रखा गया, जबकि वो राहुल गांधी के बड़े खास थे, केंद्र में मंत्री भी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रकरण देखने के बाद ये लग गया, क्योंकि कमलनाथ जब सरकार में बैठे तो कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को काटना शुरू कर दिया, उनके वफादार लोग थे या उनकी टीम के लोग थे उनको साइड करना शुरू कर दिया। और उस समय भी ये हुआ कि भाई मुख्यमंत्री बनाना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं और मुख्यमंत्री कमलनाथ को बना देते हैं, क्योंकि एक पार्टिकुलर परिवार के वो बहुत वफादार हैं और बुढ़ा शेर है, बुढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा इगर तिगर नहीं करता, वो अपना बैठकर तसल्ली से समय काटता है और सही से फॉलोअप भी करता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ऑप्शन आया तो उन्होंने पार्टी तोड़कर वो अलग चल दिए, सरकार गिर गई।
लेकिन सरकार गिरने के बावजूद, नेगोशिएशन होने के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव नहीं आया, किसी तरह से नहीं आया। सब कुछ होता रहा, सारे ड्रामे हुए मध्य प्रदेश में, लेकिन ज्योतिरादित्य को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती थी कांग्रेस। आखिर ऐसा क्या था, कमलनाथ को अगर डांट के बिठा देते तो वो बैठ जाते, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके पास एनर्जी थी, एनर्जेटिक थे, दो पीढ़ियां तीन पीढ़ियों से काम भी कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऑफर आया, उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। फिर इसके बाद सेम इशू राजस्थान में आया। राजस्थान के, राजस्थान राज्य के प्रेसिडेंट के रूप में पायलट काम कर रहे थे, सचिन पायलट। सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की, लोग कहते हैं, और इतनी मेहनत की कि वसुंधरा जी की सरकार गिर गई। गिर गई से मतलब चुनाव हार गई, और अब सचिन पायलट की दम पर वहाँ सरकार आई। लेकिन फिर वही कि बुढ़ा आदमी जो परिवार का वफादार है वो बैठेगा, या फिर इनर्जेटिक सचिन पायलट बैठेंगे, जैसा बीजेपी करती है कि यंगस्टर्स को बिठाती है जहाँ जहाँ वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हुआ वही कि सचिन पायलट को नहीं बैठाया गया और सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। बहुत दिन विवाद चलता रहा, लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बन गए। अब अशोक गहलोत ने वही करना था जो कि कमलनाथ ने किया, अशोक गहलोत ने वही करना था जो मिलिंद देवड़ा के साथ हुआ, अशोक गहलोत ने वही करना था जो आज डीके शिवकुमार के साथ हो रहा है। तो हुआ ये कि सचिन पायलट को धीरे धीरे काटने की कोशिश की गई, सचिन पायलट के व्यक्तियों को तोड़ने की कोशिश की गई, सचिन पायलट को कमजोर करने की कोशिश की गई, चूँकि चीफ मिनिस्टर बैठे थे अशोक गहलोत। तो फिर अब कर्नाटक वही सिचुएशन में आ गया कि डीके शिवकुमार प्रदेश अध्यक्ष थे, डीके शिवकुमार ने पूरा चुनाव लड़ा, खूब पैसा अपना लुटाया और बहुत कुछ किया। मतलब पार्टी को उठाकर सरकार बनाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो डीके शिवकुमार को जाता है, लेकिन डीके शिवकुमार राहुल गांधी से मात्र 7-8 साल बड़े हैं। अब डीके शिवकुमार अगर राहुल गांधी से 7-8 साल ही बड़े हैं तो वह भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें मिलिंद देवड़ा आते थे, जिसमें जितिन प्रसाद आते थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया आते थे, जिसमें सचिन पायलट आते थे, और इसके अलावा पीए संगमा के बेटे वो भी आते थे। मतलब ये एक यंगस्टर्स की लाबी जो देश में थी, जिसको राहुल गांधी लेकर चले थे, या कहा गया था कि भाई राहुल गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या राहुल गांधी जब आएंगे तो ये सब कोई मिनिस्टर बनेगा। मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, ये मिनिस्टर भी बने, लेकिन इनको किसी राज्य में इंडिपेंडेंट कमान नहीं दी गई ताकि वो अपने आप को सिद्ध कर सकें, वो सिर्फ कांग्रेस के वफादार बने रहे, ऐसा प्रयास किया गया। अब डीके शिवकुमार के सामने भी वही आया जो जी परमेश्वर के साथ हुआ, वही डीके शिवकुमार के साथ हुआ कि उनको चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लो। कई दिन विवाद चला रहा, लेकिन उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब जी परमेश्वर जो पिछली बार चुनाव मतलब हारे थे जिस समय, उसके बाद जी परमेश्वर 2018 के चुनाव के बाद जो उप मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे कि नहीं थे, उन्होंने बयान भी दिया था कि भाई मैं उप मुख्यमंत्री था, मैं पार्टी का 8 साल प्रेसिडेंट रहा, मैंने जन्म से लेकर समय दिया है पार्टी को, पार्टी को उठाकर खड़ा किया था उस समय, सरकार में लेकर आए थे, और उसके बावजूद उनको अब मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता। उन्होंने कहा कि मैं भी 150 नाम लेकर जा सकता था, लोगों को बता सकता था कि भाई मेरे साथ भी सपोर्ट है विधायकों का, लेकिन मैं वो गंदगी नहीं करना चाहता, मैं पार्टी में वो गंदगी फैलाना नहीं चाहता। वो इशारा था सीतारमैया की तरफ और इशारा था डीके शिवकुमार की तरफ, जो विधायकों के लिस्टें लिए घूम रहे थे। लेकिन डीके शिवकुमार के पक्ष में बड़ी संख्या, 134 में से 75 या उससे अधिक की संख्या डीके शिवकुमार के पक्ष में होने के बावजूद, प्रदेश भी डीके शिवकुमार के पक्ष में होने के बावजूद, बिल्कुल वैसे ही डीके शिवकुमार ने सरकार बनाई जैसे कि सचिन पायलट ने राजस्थान की बनाई, बिल्कुल वैसे ही सरकार बनाई, चुनाव लड़ा जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस समय मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा था। फिर आखिर क्या हुआ इन दोनों के साथ, वही डीके शिवकुमार के साथ हुआ। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके पीछे का कारण एक है कि सोनिया गांधी जिस समय प्रेसिडेंटशिप के चुनाव के लिए आई थी, उस समय 8 या उससे अधिक लोगों ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट का पर्चा भरा था। वो उनमें कौन हुआ करते थे, उसमें हुआ करते थे माधवराव सिंधिया, उसमें होते थे राजेंद्र प्रसाद, उसमें होते थे जितेंद्र प्रसाद और राजेश पायलट हुआ करते थे, जितेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, पीए संगमा हुआ करते थे, अर्जुन सिंह हुआ करते थे, शरद पवार हुआ करते थे और उसमें सीताराम केसरी हुआ करते थे। ये बड़े नाम थे जिन्होंने क्लेम किया था सोनिया गांधी के आगे। अब
सोनिया गांधी की कुंडली इतनी स्ट्रांग थी कि उस समय इन सबकी लगभग या तो पार्टी छोड़कर चले गए थे या इनकी मृत्यु हो गई। उसी दौरान माधवराव सिंधिया की मृत्यु हो गई दुर्घटना में, राजेश पायलट की मृत्यु हो गई दुर्घटना में, जितेंद्र प्रसाद को हार्ट अटैक आ गया दुर्घटना हो गई, सीताराम केसरी बाहर निकल गए, अर्जुन सिंह पार्टी छोड़ गए, पी ए संगमा पार्टी छोड़ गए, नरेंद्र तिवारी पार्टी छोड़ गए, इतने सारे या तो पार्टी छोड़ गए या फिर उनकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर सोनिया गांधी की कुंडली इतनी स्ट्रांग थी या क्या पीछे का कारण था वो आप लोग अच्छा समझते होंगे, लेकिन सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बन गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल सेम वही काम, अब यहाँ पर राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी के साथ उन्हीं की जो उस समय सोनिया गांधी को चैलेंज कर रहे थे उन्हीं की यंगस्टर्स की टोली है और सब एनर्जेटिक हैं, तो क्या वही सिनेरियो दोहराना चाहिए, उतनी पावर देनी चाहिए कि वो राहुल गांधी को चैलेंज करें? इसलिए इन किसी को भी इतनी पावर या इतना एक्सक्लूसिव अलग से अवसर नहीं दिया गया कि ये अपने आप को सिद्ध कर सकें और सिद्ध करके ये राहुल गांधी को चैलेंज कर सकें। डीके शिवकुमार के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाँ, डीके शिवकुमार चूंकि उन चीज़ों को जानते होंगे और उनकी आयु बाकियों से कुछ ज़्यादा है, इसलिए ये संभव है कि डीके शिवकुमार ने जब पोर्टफोलियो मंत्रालयों का बटेगा तो मंत्रालयों के पोर्टफोलियो में स्ट्रांग पावर, मतलब पावर सेंट्रिक उनके पास होगा, मुख्यमंत्री सीतारमैया होंगे। तो सीतारमैया जो 2006 में पार्टी में आए, जो ओरिजिनल पार्टी के वो नहीं हैं, और डीके शिवकुमार जो जन्म से पार्टी को कांग्रेस को उठाकर खड़ा किए हुए हैं, डीके शिवकुमार को वही कर दिया जो जी परमेश्वर के साथ हुआ, और आज जी परमेश्वर केवल एक मंत्री हैं। क्यों? क्योंकि वो अब उस लड़ाई में है नहीं। हाँ, क्योंकि वो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे इसलिए वो लड़ाई में थे। अभी प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार हैं तो वो लड़ाई में हैं। डीके शिवकुमार कितना उसको बैलेंस कर पाएंगे? क्या राजस्थान रिपीट होगा वहाँ पर, ये देखने की बात है। क्या राजस्थान की तरह डीके शिवकुमार का हाल किया जाएगा जो सचिन पायलट कर रहे हैं धरने प्रदर्शन अपनी ही सरकार के खिलाफ, वो देखा जाएगा। लेकिन डीके शिवकुमार पिछले 7-8 इलस्ट्रेशन जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं यंगस्टर्स के, जो राहुल गांधी के समकालीन हैं, उन सभी को साइड में रखा गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर उनके करियर को ख़त्म किया गया। कहीं ऐसा ही ऐसा तो नहीं है कि चंद्रशेखर राव के रास्ते पर, या वो भी सोनिया गांधी को चैलेंज कर ही रहे थे, आंध्रा के मुख्यमंत्री थे, बड़े स्ट्रांग लीडर बनकर उभरे थे, कहीं इन सब का जो प्रकरण है वो जो सोनिया गांधी पीछे झेल कर आई थी और सबको पार्टी को साफ करके वो प्रदेश अध्यक्ष बन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी राहुल गांधी के समय पर, वो गलती हमें नहीं लगता कि वो परिवार करना चाहता था। इसीलिए खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि बुढ़ा आदमी है, एक ना एक दिन खप जाएगा, और बुढ़ा आदमी है तो परिवार से कंसल्टेशन करके ही वहाँ पार्टी चलाएगा। किसी यंगस्टर्स को डीके शिवकुमार जैसे या ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति या राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट जैसा कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रपोज किया गया होता तो शायद वो एनर्जेटिक था। राहुल गांधी जो थोड़े कम लो प्रोफाइल हैं, लो प्रोफाइल मतलब मानसिक रूप से लो प्रोफाइल हैं, सरकारों की गतिविधियों को बहुत अच्छे से नहीं जानते, वो संसदीय परंपराएं भी बहुत अच्छे से नहीं जानते, और गलत बोलने का तो उनका रिकॉर्ड है, झूठ बोलने का भी उनका रिकॉर्ड है, माफिया मांगने का भी उनका रिकॉर्ड है, उनको चैलेंज न किया जाए। आपने कभी फिल्मों में देखा है कि हीरोइन अगर थोड़ी डल कलर की होती है, फेस फूसा थोड़ा हल्का होता है, लेकिन उसको हीरोइन बना दिया जाता है, तो जब भी वो स्टेज पर आती तो उससे सुंदर लड़कियां उस स्टेज पर नहीं लाई जाती। जिसकी शादी हो रही होती है उस लड़की से थोड़े कम डल फेस की लड़कियाँ ही उसके साथ मंच पर लाई जाती हैं ताकि लोगों के आकर्षण उस हीरोइन पर रहे, या उस विवाह जो उस बधु के ऊपर रहे। ऐसा ही कुछ ये किया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ ऐसी टीम नहीं खड़ी होने देनी है जो राहुल गांधी से ज़्यादा स्ट्रांग हो, या ऐसा कोई काम नहीं होने देना है जो राहुल गांधी के आगे के करियर को चैलेंज कर सके। यही कारण है कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया जी परमेश्वर के लाइन पर। क्या होगा आगे, जी डीके शिवकुमार उसको मैनेज कर सकते या नहीं कर सकते तो भविष्य बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री स्ट्रेटजिकली नहीं बन सकते थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।